Hello guys, my name is Love Kumar Soni and I'm a professional fine artist. Today's topic, size. Guys, मैं आज आपको बताऊंगा साइज के बारे में, कैनवस के साइज के बारे में और शीट के साइज के बारे में कि A1 शीट क्या होती है, A1 साइज क्या होता है, A2 साइज क्या होता है, A3 साइज क्या होता है और A4 साइज क्या होता है। तो गाइस ज़्यादातर जो है मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि A4 साइज़ क्या होता है। ज़्यादातर नॉलेज वैसे A4 तो समझते ही हैं, आपने जैसे फोटोकॉपी कहीं कराई होगी या जीरोक्स आप कराते होंगे तो वहाँ पर A4 साइज़ के पेपर पे प्रिंट निकाल के देते हैं वो लोग, तो उसको A4 बोलते हैं। ऐसी A3 होता है और ऐसी A2 होता है और ऐसी A1 होता है। तो आज हम शुरू करते हैं A1 से। तो गाइस मैं इसके आपको इंचेस में और सेंटीमीटर्स में आज आपको मैं बताऊंगा। तो A1 साइज क्या होता है गाइज, जो हम पूरी फुल कार्ट्रेज या शीट खरीदते हैं, फुल इम्पीरियल शीट जो होती है गाइज, उसे बोलते हैं हम A1। तो इसका इंचेस में जो होगा साइज वो होगा 23x33, यानी कि 23x33 इंच उसका पूरा साइज होगा। और अब ये जो मैंने बताया, मैंने आपको बताया इंचेस में, अब हम आते हैं सेंटीमीटर में। A1 साइज का शीट का सेंटीमीटर में क्या साइज होगा गाइज, वो होगा 59x84, यानी कि 59x84 सेंटीमीटर। तो गाइज अब हमारे पास पूरी शीट है, अब हम इसका हाफ पार्ट करते हैं, हम इसको ऐसे फोल्ड करके हम इसको कट करेंगे तो ये A2 कहलाया जाएगा। एक पार्ट जो होगा वो A2 कहलाया जाएगा गाइज। तो उस A2 का साइज क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। A2 का साइज होगा आपका 16x23, यानी कि 16x23 इंचेस में। और इसी को अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो 42x59, ठीक है गाइस, 42x59 सेंटीमीटर, यानी कि हो गया 42x59 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो गया, हमारे पास दो पार्ट हो गए उसके। अब हम उस पूरी शीट में से अगर उसका तिहाई पार्ट, हम थर्ड उसका वो निकालते हैं साइज, अगर हम उसका तीसरा भाग हम निकालते हैं तो वो कहलाता है हमारा A3 साइज, ठीक है गाइस। तो A3 साइज का अब इंचेस में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होगा आपका 11x16, यानी कि 11x16 इंच जो होगा वो होगा आपका A3 साइज। और ऐसे ही हम इसको सेंटीमीटर में ले लें तो इसका 29x42 होगा सेंटीमीटर, ठीक है, 29x42 सेंटीमीटर जो साइज होगा वो हमारा A3 में गिनती होगी उसकी गाइज। अब हम पूरी A1 शीट के अगर फोर्थ पार्ट में हम उसको डिवाइड करके और एक पार्ट उसका लेते हैं तो वो कहलाता है हमारा A4 साइज, ठीक है गाइज। और A4 साइज की अब मैं आपको बताता हूँ इंचेस में क्या होगा। इंचेस में होगा 8x11, यानी कि 8x11 इंचेस। और इसी का अगर हम सेंटीमीटर में करते हैं तो 21x29 होगा, 21x29 होगा इसका सेंटीमीटर में गाइज। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी साइज के बारे में। तो गाइज अगर आप किसी से, जैसे कि आप किसी से ऑर्डर ले रहे हैं या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं जो भी है आपका, क्योंकि ज़्यादातर मेरे चैनल पे जो है ऑलमोस्ट जो है या तो उनके अंदर आर्ट का इंटरेस्ट है और ज़्यादातर कलाकारी जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप किसी हिसाब से अपना प्राइस भी रख सकते हैं अपनी पेंटिंग का, अपने स्केच का, कि A4 साइज़ का इतना होगा, A3 साइज़ का इतना होगा। तो ये सब साइज़ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को समझाएं या किसी को आप, कोई आपका क्लाइंट है उसको समझ नहीं आ रहा कि A4 साइज़ क्या होगा, तो आप उसको इन चीज़ में बता सकते हैं। बाकी ये जो है मैं वीडियो के एंड में एक आपको टाइप करके भी जो एंड में एक स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा टाइप किया हुआ कि इस A4 साइज क्या होगा और A2 साइज क्या होगा, A3 साइज क्या होगा, A1 साइज क्या होगा। तो आप ये सब चीज़ें भी, नॉलेज आपको होनी चाहिए मटेरियल के बारे में अपने, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।